गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन माइंड। माय सेल्फ किरटकर सर एंड आई एम योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। ओके, सो अब तक हमने जो लास्ट वीडियोस में कवर किया था वो था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद में हमने पढ़ा क्वाड्रेंट सिस्टम, उसके बाद में हमने पढ़ा एंगल मेजरमेंट, उसके बाद में हमने पढ़ा यूनिट मेजरमेंट, उसके बाद में हमने पढ़ा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बराबर है, उसी के साथ में हमने नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरीके से होता है ये सारी बातों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बराबर है, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, नेगेटिव एंगल। अब ये नेगेटिव एंगल वाला क्या होता है, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, सपोज अगर मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मतलब साइन थीटा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो थीटा है वो कोण है एंगल, ये जो कोण है एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है वो दो तरीके से हो सकता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। तो इस एंगल के बारे में अगर मुझे थोड़ा सा जानना है तो क्या कैसे रह सकता है, उस एंगल के साथ में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से रह सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा एंड सो ऑन, इस तरीके से मैंने नेगेटिव एंगल लिख दिया। तो मैंने ये टेंथ स्टैंडर्ड में ही कवर कर चुका हूँ कि साइन ऑफ नेगेटिव एंगल रहता है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ओनली साइन थीटा रहता है। कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल रहता है तो उसके आंसर में नेगेटिव का जो साइन है वो निकल जाता है, एंगल एज इट इज जितना है उतना रहेगा। टैन कॉट और कोसेक में नेगेटिव साइन बाहर आता है, कॉस में नेगेटिव साइन का आंसर आ जाता है पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सेक है इसलिए सेक के लिए भी कुछ इसी तरीके से होता है। नाउ बात करते हैं, सपोज साइन माइनस 30 का अगर मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया तो एज आई ऑलरेडी नो साइन माइनस थीटा कैसा लिखेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे, निकाल लिया साइन, यहाँ पे थीटा था तो थीटा लिखा, मेरे पास थीटा है कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री तो मैं क्या करूंगा 30 डिग्री लिख लूंगा यहाँ पर, क्लियर है। सो ये माइनस एज इट इज, कल ही मैंने पढ़ा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कल के टेबल में नोट डाउन किया था कि नहीं किया था, ये होता है 1/2, बात क्लियर है। अब बात करते हैं, ये हो गया पहला एग्जांपल, और दूसरी बात मैं तो साइन 30 का ऑलरेडी बेसिक वैल्यू बताया कितना है 1/2, बराबर है। अब सेकंड एग्जांपल में बात करते हैं कॉस के एंगल के बारे में, सपोज मैं कॉस 60 का वैल्यू लेता हूं, कॉस 60 का वैल्यू सबको पता है कितना है, यस वेरी गुड 1/2, क्लियर है। उसके बाद cos माइनस 60 का वैल्यू पढ़ के लिखता हूँ, cos माइनस 60 लिखता है तो आंसर कैसे आएगा, मैंने पहले कहा था माइनस अगर थीटा रहता है तो मैं माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन cos और sin में माइनस बाहर आएगा क्या, डायरेक्ट प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, तो नेगेटिव एंगल को डायरेक्ट पॉजिटिव एंगल लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा cos पॉजिटिव 60, बात क्लियर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, अगेन 1/2, तो यहां पर देखो आंसर में साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव था तो आंसर भी पॉजिटिव था। So whatever may be the position of angle, whether it is clockwise or anti-clockwise, ये बात पता है ना? ये ऐसी है तो इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा, इधर मेजर करूंगा तो नेगेटिव एंगल मिलेगा, बात क्लियर है। सो किसी भी तरीके का अगर एंगल रहता है तो कॉस में उसका आंसर सेम आएगा, रादर देन दैट अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो एंगल अगर चेंज हो जाता है तो आंसर के साइन में चेंज होता है। दिस इज द बेसिक यूज एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, जिसको मैंने पाइथागोरस के बेसिस पे डिस्क्राइब किया था साइन कॉस टैन के लिए, ठीक है। सो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन से है, सो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, अब इस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के बारे में पढ़ू तो देयर आर थ्री स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो कि मैंने पढ़े हैं, उनके बेसिस पे मैं मैथमेटिक्स में लाखों फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूं, तो मुझे उसके बारे में एक पढ़ के देखना। सबसे पहला ये तो बड़ी बात ही पढ़ा आप लोगों ने, sin square theta plus cos square theta, what is the answer is what, 1, very good, सबको पता है, बराबर है। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दूसरा दूसरा का कौन सा फॉर्मूला बोलो, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, क्लियर है। उसके बाद में और देखते हैं तीसरा, तीसरा वाला स्टैंडर्ड कौन सा है बोलो, हां 1 plus cos square theta is equals to cosec square theta, तो दीज आर द थ्री स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले का तोड़ मोड़ के मैं मिलियंस ऑफ फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री में। अब दीज इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक, ये दूसरा, अब देखो इसके मैं एक 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 सप्लीमेंट बना दे रहा हूं, और सारे सप्लीमेंट को आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे यूज होने वाले हैं। अब देखो
ये जो तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे थे ये ऑलरेडी आपको 10th में हो गए हैं। पाइथागोरस के बाजू में निकल रहा कौन सा sin square theta plus cos square theta is equals to 1, उसके बाद में 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, उसके बाद में 1 plus cos square theta is equals to cosec square theta। बात देखो इसमें ये आंसर 1 कब आ सकता है, ये आंसर कभी भी बन सकता है जब दोनों एंगल आपस में कैसे हो सेम हो, मतलब यहां पे थीटा तो यहां पे थीटा ही चाहिए, यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे कितना चाहिए 2 थीटा, यहां पे थीटा बाय 2 है तो यहां पे कितना चाहिए थीटा बाय 2, तो ही आंसर में कितना लिख सकता हूं 1। सिमिलरली अगर एंगल में रजनीकांत होगा तो ये वाले एंगल में भी कौन चाहिए रजनीकांत चाहिए, तो ही मैं आंसर कितना लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं। सेम ही यहां पे जो एंगल रहेगा वही एंगल यहां पे चाहिए, अलग एंगल रहता है तो ये फार्मूले को हम डिराइव नहीं करेंगे, यहां पे जो एंगल रहेगा वही एंगल यहां पे रहेगा तो आंसर मेरा सेम आएगा अदरवाइज नहीं आएगा। अब इस पे थोड़े से छोटे-मोटे वेरिएशन करके देखते हैं, मुझे एक बात बताओ ये जो cos यहां पे लिखा है प्लस है कि माइनस है, प्लस है दिख रहा है मुझे, अगर प्लस को इसी वस्तु के उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा कौन है बोलो sin स्क्वायर थीटा बराबर है, तो राइट हैंड साइड में कौन बचा था पहले 1, ये प्लस उधर से उधर गया तो क्या बना माइनस बना, तो क्या आंसर मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, नया फार्मूला बन गया बराबर, तो मुझे कोई भी सिचुएशन में कोई भी चीज यूज करना पड़ सकता है, इसलिए इसकी मुझे वेरिएशन पता रहनी चाहिए, बात क्लियर। दूसरी बात पहली बार sin को लेके गया, नेक्स्ट पहली बार cos को लेके गया, नेक्स्ट टाइम sin को लेके गया, ये इधर प्लस उधर गया तो माइनस, व्हाट रिमेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या, यस ठीक है, ये प्लस उधर गया तो माइनस उधर का वन एज इट इज माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो कुछ इस तरीके से मिल गया cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दीज आर द टू न्यू फार्मूला, किसी किसी के दिमाग में और ख्याल आ सकता है सर स्क्वायर निकल तो राइट साइड में क्या लिख सकता है, यस एब्सोल्युटली राइट स्क्वायर रूट रख सकता है, कोई कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट millions of formula can derive the trigonometry with the help of three basic formulas, okay, so तो यहाँ पे मुझे ये वाली चीज कवर हो गई, ये मुझे इसके वेरिएशन पता चल गया, सिमिलरली मैं यहाँ पे वेरिएशन बना सकता हूँ, यस एब्सोल्युटली राइट यहाँ पे भी वेरिएशन बना सकता हूँ, सो मुझे बताओ सबसे पहले ये प्लस वन उधर गया तो क्या बनेगा माइनस वन, सो व्हाट रिमेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली tan स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, सो उधर में कौन बचा बोलो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, सो दिस इज द अगेन न्यू कन्वर्जन नया फॉर्मूला मिल गया बराबर है, उसके बाद ये वाला वन इधर रखता हूं ये प्लस इधर गया तो क्या बनेगा माइनस, व्हाट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1, सो शल आई राइट हियर 1, यस राइट हैंड साइड कौन किधर था बोलो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मैंने इसे उल्टा करके लिखा है ताकि ये थोड़ा काम है इसका, तो ये मिल गया और एक नया फार्मूला, मतलब आई कैन डिजाइन टू मच फार्मूलास, आई कैन डिजाइन एनीथिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इस तरीके से फार्मूला बनता है, देखो ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम तरीके के आ गए a = 1 = 1 only thing is that here is plus sign and here is what minus sign, similarly I can design this one also, ye plus 1 andar gaya kya banega minus 1, what remains on the left hand side only cot square theta is equal to what remains on the right hand side cosec square theta minus, ye plus andar gaya kya bana tha plus 1 andar gaya to minus 1 bana tha, ye kuch is tarike se cot square ka hum log hai, clear hai, yes, ab next time mein मैं क्या करता हूं 1 को इधर ही रखता हूं इसको उधर लेके जाता हूं लेकिन उल्टा लिखता हूं, बोलो क्या बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आई कैन राइट लाइक दिस अगेन, सो देखो पहले मेरे पास तीन फॉर्मूले थे, ये पहले का और दो वेरिएशन बना, दूसरे का और दो वेरिएशन बना, तीसरे का और दो वेरिएशन बना, ऐसे मैं चाहे जितने क्रिएट कर सकता हूं मेरी मर्जी है, जहां जहां भी मुझे जिस तरीके से यूज होता है मैं वैसे क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं क्योंकि इसके भरोसे मैं आपको और एक फार्मूला बताने वाला हूं, कौन सा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 1, अब देखो इसी को थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के हिसाब से जज कर देता हूं, एज आई नो द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, तो ये मुझे स्टैंडर्ड फार्मूला पता है a square minus b square is equal to क्या लिख सकता हूँ a plus b a minus b, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ बराबर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बोलो क्या लिखूंगा a था तो a ही था मेरे पास, a है sec है sec है तो मैं क्या लिखूंगा sec theta plus है तो plus, second b के इक्वल कौन है tan है तो मैं क्या लिखूंगा tan theta into दूसरा वाला बोलो क्या था, हाँ बोलो बोलो a के इक्वल कौन है sec theta minus tan थीटा इज इक्वल टू 1 था तो 1 भी लिख सकता हूं बराबर है, ये वाला पूरा ब्रैकेट मल्टीपल में उधर गया तो कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा, सिंपल सी बात है ये मल्टीपल में है
पूरा उधर जाएगा कहां जाएगा डिवाइड व्हाट लिमिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा सो ये मिला मुझे पहला फार्मूला और मैं इसको बोल सकता हूं sec थीटा प्लस tan थीटा अपोजिट होता है इसके 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा और वाइस वर्सा ये ब्रैकेट लेके जाने पर मैं ये भी ब्रैकेट लेके जा सकता हूं तो व्हाट लिमिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इसका आंसर होता है तो ये जो मैंने दो फार्मूले लिखे हैं ये दो फार्मूले मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत बार यूज करना पड़ेगा sec थीटा प्लस tan थीटा को आई कैन राइट लाइक दिस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा और वाइस वर्सा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बोलो sec थीटा माइनस tan थीटा को 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकता हूं सिमिलरली लुक एट दिस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हाउ कैन राइट लाइक दिस a प्लस b a माइनस b तो यहां पे भी क्या बनेगा बताओ आप कोशिश करो बोलो cosec थीटा प्लस cot थीटा इनटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इस तरीके से बनेगा इज इक्वल टू 1 तक और मुझे बात बताओ ये मल्टीपल में है पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा तो बचेगा कौन लेफ्ट हैंड साइड बोलो cosec थीटा प्लस cot थीटा राइट हैंड साइड बोलो ना क्या बचेगा वेरी गुड 1 डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा या तो फिर इसका पूरे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पूरे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का कन्वर्जन ये सारी चीजें मेरी अभी तक क्लियर हो चुकी है अब मैं क्या करूंगा मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया जो कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस करता है इफ sin थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू मुझसे भी दिया है कितना दिया है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बोलो 5 डिवाइडेड बाय 13 और वो जो एंगल है थीटा ये वाला जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल कहीं तो 0 और 90 के बीच में लाई करता है मतलब मेरे पास ये जो थीटा एंगल है उसका लोकेशन पता चल गया उसके बाद में उसने बोला है ये अगर इतना होता है तो रिमाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैलकुलेट करो सो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से sin cos tan cot sec cosec ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बराबर है और मैंने अगर मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम अगर ड्रा करता हूं तो यहां पे कितना डिग्री 0 यहां पे कितना डिग्री 90 डिग्री मतलब मैं पाई बाय 2 बोल सकता हूं इसका मतलब मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ये वाले क्वाड्रेंट में है बराबर है इट्स लुक लाइक राइट एंगल ट्रायंगल एम आई राइट समझ में आया कि नहीं आया ये राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर है उस एंगल में कहीं तो एक थीटा दिया है बराबर है थीटा एक एंगल है जो कि पहले क्वाड्रेंट में लाइज करता है इतना तो मुझे क्लियर हो गया तो मुझे सारा क्वाड्रेंट सिस्टम रख दूं कि निकाल दूं चल रहे देता तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने बना लिया इसके अंदर में मुझे बाकी चीजें को कैलकुलेट करना है तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहली बात मुझे गिवन क्या दिया है गिवन क्या गिवन दिया है sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 13 बराबर है और थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है मेरा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बिल्कुल बनता है ठीक है अब बात करते हैं वी नो दैट मुझे तो एक चीज पता है ओशा छोटा के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो क्या होता है बोलो ओशा छोटा में कितनी कितनी पेयरिंग करेंगे तीन की पेयरिंग करेंगे एम आई राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी सॉरी एस sin व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी cos व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी tan ये तो पता है मुझे बराबर है हमें क्या पता है sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते बोलो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इतना तो सबको पता है बराबर है अगर मैंने यहां पे थीटा बोल दिया तो थीटा के सामने वाली साइड को कौन सी साइड बोलेंगे अपोजिट साइड बोलेंगे बराबर है इसे क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे एडजेसेंट बोलेंगे क्लियर है इतना सबको इतना अगर मुझे बातें पता है तो मैं आगे की बातें देख सकता हूं क्वेश्चन में sin थीटा का वैल्यू कितना दिया है 5 डिवाइडेड बाय 13 इसका मतलब क्लियर हो गया अपोजिट का वैल्यू कितना 5 अपोजिट का वैल्यू 5 है बराबर है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 13 तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मैंने ले लिया 13 क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा तो मुझे टेंजेंट साइड नहीं पता एडजेसेंट साइड नहीं पता शैल आई कैलकुलेट एडजेसेंट साइड यस एज सिंपल एज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी पता है ना आपको और पीजीटी क्या होता है इफ आई पुट द नेम ए बी सी बोलो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइड स्क्वायर ये क्या बनेगा बोलो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दिस इज सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमने टेक्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी
13 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, 5 का स्क्वायर। क्या अभी भी मुझे बीसी पता है? नहीं पता, तो मैं इसको क्या करता हूं, एज इट इज ही रहने देता हूं। बीसी स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना बोलो, 169 की 196, यस 169। ये प्लस 25 इधर आया तो माइनस 25 इज इक्वल टू व्हाट, बीसी का स्क्वायर 169 में से 25 गया कितना, 144 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। मतलब बीसी का वैल्यू कितना रहे, स्क्वायर निकल जाएगा तो स्क्वायर में कितना बचेगा, 12 का स्क्वायर है, यस। तो मुझे ये साइज मिल गया 12, बराबर है। अब देखो मेरे पास तीनों के तीनों साइड पता है, आई नो ए बी, आई नो बी सी, वी नो ए सी, मुझे सारे के सारे वैल्यू पता चल गए, तो मुझे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया बताओ, चलो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला बात करते हैं साइन थीटा हो गया, नेक्स्ट वाला किसका बात करते हैं कॉस थीटा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टैन थीटा, बोलो टैन थीटा का फार्मूला क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। वो सब छोटा लिखने से बात क्लियर हो जा रही है, मेरा मिस्टेक नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट आते हैं उल्टा लेंगे तो ये क्या बनेगा, बोलो कॉट सेक कोसेक, बराबर है, तो ये क्या बनेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू उल्टा जाते हैं ए डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, सेक थीटा कितना होगा, बोलो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, बराबर है। अब कोसेक थीटा क्या बनेगा, बोलते चलो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए और वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूज का कितना 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 12, ओ का 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच यानी हाइपोटेन्यूज कितना निकला 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच अगेन 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ 5। तो इस तरीके से मैंने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल दिया। और सबसे मजे की बात, मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया था आपको, क्वाड्रेंट सिस्टम में मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया ए एस टी सी एट शुगर की कॉपी, लिख के देखने दिया बात बराबर है। इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट करोगे तो पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कैसा होता है, कॉस टैन कॉट जितने भी है सबका वैल्यू ऐसा होता है पॉजिटिव। देखो सबका वैल्यू कैसे आया, पॉजिटिव, साइन का भी पॉजिटिव, सबका वैल्यू पॉजिटिव आता है। अगर यही मेरा फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में होता, यहाँ अगर एंगल चेंज होता था तो सेकंड क्वाड्रेंट में यही पॉजिटिव आता था और अगर नेगेटिव आ जाते डेवलपमेंटली। तो कुछ इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को स्टडी करके देखा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझा कि नहीं समझा पहले ये बताओ, समझा, वेरी गुड। तो अगर मेरे पास साइन थीटा दिया है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है उससे मैं उसको प्रोजेक्ट करूंगा। प्रोजेक्ट करने के बाद एज पर सिंपल बेसिक 10 स्टैंडर्ड के मेथड से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या किया, उसने एक क्वेश्चन दे दिया, बराबर है, उसका वैल्यू निकालने को बोला है, तो वैल्यू निकालने जाएंगे। वैल्यू निकालने के लिए देखो यहां पे क्या लिखा है, sin का स्क्वायर और 30 डिग्री, cos का स्क्वायर 45 डिग्री, cosec का स्क्वायर 60 डिग्री। वीडियो नंबर 2 में मैंने आप लोग को अच्छे से पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन से एंगल का वैल्यू कितना होता है, ये पूरी तरह से आप लोग पढ़ चुके हो। अब उसी वैल्यू को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया, बराबर है। लेकिन उससे भी पहले मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे आपको, सिंपल साइन कॉस टैन इस तरीके से पढ़ाया था, बराबर है, मैंने कहीं पे भी कहीं स्क्वायर नहीं लिखा था। और अभी जो क्वेश्चन आया है उसमें मुझे कहीं तो भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यस। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा दिया है, क्या दिया है, sin square theta दिया है, तो I can write sin square theta as sin theta का whole square। देखो मैंने यहाँ पे bracket लगाया है, तो sin theta का whole square होता है इसका मतलब, but इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे लोग को ये और ये same दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। sin square theta का मतलब होता है इसमें trigonometric function sin theta का whole square। इधर क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का एंगल जो थीटा है उसका स्क्वायर, तो ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप इसको इस तरीके से कंसीडर करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इसको कुछ इसी तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये चीज आप कहीं तो भी नोट डाउन करके रखिए, इसका इस तरीके से नहीं होता, ठीक है, चलो नोट कर लो ये बात। अच्छा, और दूसरी बात,
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वीडियो का चेन आने वाला है। अभी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 पे चला, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा आपको, पूरा 11 12 JEE पूरा का पूरा बेसिक कवर कर रहे हैं। अभी जो हम पूरा पढ़ रहे हैं एकदम फाउंडेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फिर, साइन 30 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, कॉस 45 का होल स्क्वायर, माइनस इधर बोलो कोसेक 60 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 बोलो, 1/2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45 बोलो, मुझे नहीं पता कितनी है, 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू निकालने के लिए बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, दिमाग नहीं लगाएगा। कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin होता है, क्लियर है। अरे हाँ, 1/sin होता है, एंगल जो है वही का, और 1/sin का एंगल है बड़े जल्दी से बताया कितना, √3/2, वेरी गुड। ये कितना हो गया, √3/2, ये जो चीज ऊपर लेंगे तो क्या बनेगा, 2/√3 बनेगा। मतलब कोसेक 60 का वैल्यू कितना, 2/√3, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, अगर होल स्क्वायर रहता है तो ऊपर वाले का ऊपर में स्क्वायर देने का, नीचे वाले का नीचे में स्क्वायर देने का, ऊपर वाले का ऊपर में स्क्वायर देने का, नीचे वाले का नीचे में स्क्वायर देने का, ऊपर वाले का ऊपर में स्क्वायर देने का, नीचे वाले का नीचे में स्क्वायर देने का। इतना बेसिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट सम ऑफ यू आपको आता नहीं होगा, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन है इस तरीके से मैंने डिटेल में बता दिया। 1 का स्क्वायर इज व्हाट, 1, 2 का स्क्वायर इज व्हाट, 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, व्हाट रिमेंस 2, माइनस कितना, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, व्हाट रिमेंस 3। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 1 2 4 1 4 कितना हो गया, 6, 4 2 8, -4/3, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बता जल्दी। हाँ, और इधर डिविजिबल बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, सो इधर भी कितना बचा, 3/4, और इधर भी कितना बचा, 4/3, सो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यस बोलो, 3 3 9, 4 4 16, डिवाइडेड बाय 3 4 12, हाउ मच इट इज, अरे बोलो कितना होता, 16 में से 9 गया कितना, -7/12, दिस इज माय फाइनल आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7, उसने मुझे tan थीटा का वैल्यू दे दिया जो कि कितना दिया है बोलो, गिवन में tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया, 1/√7। उसके बाद में मेरा जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता, देखो बच्चों बताओ, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना लिखते हैं हम, पाई बाय 2, क्लियर है। तो पहला जो थीटा है यहाँ पे लाइज करता, मतलब क्या बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव, बराबर है, ऑल पॉजिटिव है। उस केस में इतनी चीज का वैल्यू कितना हो सकता है, मुझे वो निकालना है, मुझे दिया क्या है tan, मुझे निकालने का क्या है sec cosec। तो देखो यहाँ पे मैं दो चीजों से निकाल सकता हूँ, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के ओसा छोटा लगा के सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बनाएंगे, यहाँ पे प्रूव करेंगे डायरेक्ट निकलेगा, या तो फिर अदर देन दैट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है उसके भरोसे पे, ठीक है। मुझे एक बात बता, tan दिया है मतलब मैंने बताया था cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते, मतलब कितना था 1/, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, 1/√7, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब फाइनल आंसर कितना, √7। तो cot थीटा का वैल्यू मुझे कितना मिला, √7 मिला। उसके बाद में अब मुझे बताओ, मुझे cot थीटा की यहां पे रिक्वायरमेंट है नहीं, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी चीज की है बताओ, cosec की है और sec की है। तो अब बात करेंगे cosec और sec के लिए, we know that अब हम यहां पे बात करेंगे कि मुझे एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताओ कौन सा, 1 + tan² θ = what, sec²θ। कल मैंने स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पढ़ाई की नहीं पढ़ाई, बराबर है। सो 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, 1/√7 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, sec²θ लिखेंगे, ऊपर का ऊपर स्क्वायर नीचे का नीचे स्क्वायर, मैंने कल ही बताया था 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, √7 का स्क्वायर कितना ओनली 7 इक्वल्स टू कितना sec²θ, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता 7 + 1 8/7 लिख सकते हैं, एम आई राइट, इक्वल्स टू व्हाट sec²θ। तो फाइनली मुझे sec²θ का वैल्यू कितना मिला है 8/7, तो मुझे एक मिल गया, बराबर है। दूसरी कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, cosec²θ की वैल्यू चाहिए। अब cosec²θ के लिए फाइट करेंगे, व्हाट इज cosec²θ के लिए मैंने कल कौन सा फार्मूला बताया था आपको बताओ, चलो वेरी गुड, 1 +
cot square theta is equals to cosec square theta. Clear है? अरे हाँ है ना? तो 1 plus. What is the value of cot square theta? कितने मिली थी? Root 7. तो root 7 का whole square कर देंगे तो is equals to cosec square theta का value मिलेगा. Square and square get cancel. 7 plus 1 is what? 8 is equals to cosec square theta. तो मुझे cosec square theta का भी value मिल गया. अब देखो मुझे cosec square theta का भी value मिलेगा. क्योंकि नीचे में और एक साइन प्लस और माइनस में दिया है,
तो अभी थोड़ा सा ये पोर्शन के ऊपर फोकस करता हूं, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। यहां बचा कौन, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, हमारा एक बिल्कुल लिख सकता हूं sin बाय cos tan, तो स्क्वायर है करके दोनों जगह पे स्क्वायर है, इनटू कौन बचा था cos स्क्वायर a, टोटल डिवाइडेड बाय कौन है बोलो tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये मल्टीपल में ये डिवाइड में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल में बचा कितना मेरे पास बोलो tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, टोटल डिवाइडेड बाय बताओ tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब बताओ न्यूमेरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया मतलब कितना बचा 1, तो हियर इज अगेन आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है सारे के सारे समझ में आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए, ठीक है। तो अभी क्या करो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो। जिस तरह क्वेश्चन अगले दिन के ऑप्शन दिए हैं उसको किस तरीके से आपको रिड्यूस करना है वो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे टैंक के बदले में भी पार्ट दिया है और जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वार्टर में लाइज कर रहा है, तो मुझे ये कहना है आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखो, पॉसिबल है आप लोग को ट्राई करना, सिंपल तरीका। पार्ट को किस तरीके से लिख सकते बताओ, वेरी गुड। ये कौन है cos स्क्वायर, तो दोनों आपस में कैसे हैं इनटू में है, अगेन cos स्क्वायर के लिए पे फार्मूला, अभी tan था sin था तो मुझे sin वाला पोर्शन करना, अभी cos चाहिए तो cos वाला पोर्शन करने के लिए sin को ट्रांसफर करेंगे, तो इस तरीके से इसको मैं ट्राई करके देख सकता हूं, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल ट्राई करके देखो, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ के देखते हैं। लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया 1 प्लस sin कुछ तो एंगल है अल्फा दिया है, नीचे में 1 प्लस cos कुछ तो भी एंगल है, इधर 1 प्लस sec कुछ तो भी एंगल है, नीचे में 1 प्लस cosec कुछ तो भी एंगल है, ये पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद आंसर बचता मेरा tan, तो वो कैसे आता मुझे देखना है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड बोलो, क्या दिया है 1 प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा, ठीक है, इनटू में दूसरी टर्म ये कौन सी 1 प्लस sec अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cosec अल्फा, उसका राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठीक है। यहां बड़े शॉर्टकट में लिखा है सॉल्यूशन, बहुत सारे लोगों को समझेगा नहीं, तो आई विल इवैल्यूएट इट पीछे, तो ये तो नहीं पता मैं ऐसे कैसे रह देता हूं थोड़ी देर, cos का भी कन्वर्जन नहीं पता थोड़ी देर ऐसे कैसे रह देता हूं, देखो मेरा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका देखो, जो चीज मुझे समझ रही है मैं वही कर रहा हूं। sec कोई जरूरत ही नहीं है, tan के लिए sec, tan के लिए क्या चाहिए sin / cos, तो वो तो दिखाई दे रहा है मुझे बराबर है, तो sec नहीं चाहिए मुझे, cosec की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट करने के पीछे दौड़ने को, sec का मतलब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं क्या होता है 1 cos थीटा, थीटा क्या अल्फा, अल्फा इस बार क्या लिखेंगे हम अल्फा लिखेंगे, नीचे में 1 प्लस cosec माने कौन रहे 1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा, मैंने आपको पहले वीडियो में ही पढ़ाया है कि sin किसके अपोजिट cos किसके अपोजिट होता है बराबर है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब कितना 1, इसका आपस में कौन सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो व्हाट रिमेंस हियर 1 प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा, ठीक है। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता 1 * cos अल्फा cos अल्फा प्लस 1 * 1 1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा टोटल डिवाइडेड बाय 1 * sin अल्फा sin अल्फा प्लस 1 into 1 1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा, अरे यार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिला, कुछ तो भलता ही होते जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा पैटर्न पढ़ते हैं, पैटर्न में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था a डिवाइडेड बाय b टोटल c डिवाइडेड बाय d रहता है, तो होगा क्या राइट a बाय b और इसको उल्टा करके लिखना d बाय c, नीचे वाले इसको उल्टा करके लिखना, तो ये क्या पड़ेगा बोलो 1 प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा, अरे क्लियर है क्या, पहले ऊपर वाली चीज को लिख लेने का 1 प्लस cos अल्फा तो प्रॉब्लम नहीं उल्टा सीधा लिखे तो डिवाइडेड बाय cos अल्फा, नीचे वाली चीज को उल्टा करके लिख लेना बोलो उल्टा कैसे करने का, हां ये चीज ऊपर में जाएगी बोलो sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin अल्फा, ये समझा कि नहीं समझा, बिल्कुल समझा। दूसरी बात ये